खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में रुबीना को आगे बढ़ाने के लिए क्या मेकर्स कर रहे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बहू के साथ में नाइंसाफी? वेल गाइस, ऐसा हम नहीं, कोई और कह रहा है। आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी धमाका पर। वेल, आपको बता दें कि जिस तरीके से रुबीना दिल्ले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे में हर किसी को यही लग रहा है कि मेकर्स रुबीना दिल्ले के लिए काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हैं, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और मुद्दा उठ चुका है, और ये मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे चहेती बहू के लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें हम किसी और की नहीं बल्कि श्रीदी जहाँ की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सालों से कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा का किरदार निभाया है। वेल, आपको बता दें दरअसल इनका भी हाल ही में आने वाला एक टास्क है, जिसमें उनके फेस पर काफ़ी सारे एनिमल्स को छोड़ा जाने वाला है। वेल, इस टास्क के दौरान श्रीदि जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, जिसकी वजह से फैंस को अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लास्ट सीजन में सौरभ जैन के साथ में गलत हुआ था, नाइंसाफी हुई थी, उसी तरीके से अब एक बार फिर से मेकर्स अपनी गंदी चाल चल रहे हैं और रुबीना दिल्ले को आगे बढ़ाने के लिए श्रीदि को पीछे कर रहे हैं, क्योंकि श्रीदि कलर्स का नहीं बल्कि जी टीवी का चेहरा है। अब ऐसे में सबकी अपनी अपनी राय है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या मेकर सच में ऐसा कर रहे हैं? वेल, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक टीवी धमाका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।